सो हेलो एवन वेलकम बैक टू चैनल हेर इजोर नेक्स्ट राइड आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं गियर्यस गरी फॉर अस बट कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन जाते हैं इनको प्रॉपर यूज न करें सो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू यूज प्रॉपरली इन डिफरेंट सिचुएशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक्स लाइक हाइब्रिड माउंटेन बाइक एंड रोड बाइक्स हम स्टार्ट करें फॉर द वेरी बेसिक कि गेयर कितने होते हैं बाइक्स में और कौन से गेयर रेशूज कर चाहिए और कौन सा कैडेंस हमें यूज करना चाहिए सो लेट स्टार्ट दीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम So, as you know, we have three types of bike mountain bike, road bike, and hybrid bike. In mountain bike, we have around three gears at the front. एंड रेयर में हमें मिलते हैं सेवन टू एट और मे बी ट्वेल्व जितना हमारी बाइक प्रीमियम होती जाती है उतना हमें गेयर फ्रंट में कम हो जाते हैं और रेयर में इंक्रीज हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गेयर रेशोज काफी ज्यादा होती है उनमें गेयर रेशो काफी सिंपल टर्म है हम इसको निकालते हैं बाय द टीथ ऑन द फ्रंट गेयर डिवाइडेड बाय टीथ ऑन द थेयर गेयर जैसे आपके रिंग होते हैं जो गेयर के उस पर टीथ होते हैं तो आप उसको काउंट कर सकते हो अराउंड में भी किसी में फिफ्टी टू होते हैं किसी में थर्टी टू होते हैं डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रंट में ट्वेंटी है और रेयर में आपके टेन है तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें निकलता है ट्वेंटी बाय टेन की रेशो आएगी आपको दैट मीनस आप अगर एक बार रेवोल्यूशन करोगे पैडल का तो आपका व्हील दो रेवोल्यूशन लेगा गर रेशो जितना ज्यादा होता है बाइक उतनी लाइट होती है और जितना कम होता है बाइक उतनी हैवी होती है आई थिंक इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में सो so, जो मैं कह रहा था कि जितने हमारे गेयर कम होते हैं उतनी हमारी गेर रेशो भी इंक्रीज होती है क्योंकि टीथ ज्यादा हो जाते हैं गेस पे तो ऐसा नहीं होता कि प्रीमियम बाइक में हमें फ्रंट में सिर्फ एक गेयर मिल रहा है तो उनमें कोई कमी है ऐसा नहीं होता है गेयर रेशो सुन काफी ज्यादा होती है और टॉक अबाउट द हाइब्रिड बाइक हाइब्रिड बाइक में बिल्कुल सेम माउंटेन बाइक जैसा होता है आप प्रीमियम बाइक लोगे तो फ्रंट में सिंगल मिलेगा आप अगर नॉर्मल बाइक लोगे तो आपको थ्री गेयर मिलते हैं और रेयर में आपको सेवन टू एट गेर मिलते हैं एंड रोड बाइक में हमें सिर्फ टू गेयर मिलते हैं तो फ्रंट और रेयर में हमें मिलते हैं अराउंड सेवन टू ट्वेल्व गेयर डिपेंड करता है आपके बजट पे और गेर सेट पे सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट ऑफ आवर वीडियो कि हम गेर शिफ्ट कैसे

जो आपका फर्स्ट गेयर होगा वो काफी लाइट होगा और आप जिसको राइड करोगे और जो आपका सबसे स्मॉल गेयर होगा स्मॉल रिंग वाला वो काफ़ी हैवी होगा जैसे आपकी बाइक में मान लो सिक्स गेयर हैं और आपको सबसे बड़ी जो रिंग होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सिक्स फिर सबसे छोटा वाला गेयर होगा वो आपका सिक्स गेयर होगा और वो जब आप यूज़ करोगे तो बाइक काफ़ी हैवी फील होगी वो गेयर मोस्टली होते हैं जब आपकी स्पीड काफी हाई हो जितनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती है आप उतना बड़ा गेयर डालते हो जैसे आपने राइड शुरू की है तो आप गेर यूज करोगे फ्रॉम वन टू थ्री फिर जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हुई आप यूज करोगे फ्रॉम फोर टू फाइव जैसे आपकी हाई स्पीड हुई अब आपको लग रहा है कि आपकी काफी हाई स्पीड हो चुकी है और आपको उतना एफर्ट नहीं मिल रहा बाइक से तो आप गेयर एक इंक्रीज करो सिक्स पर लेके आओ आपकी बाइक हैवी हो जाएगी और हैवी होने के बाद आपको और एफर्ट मिलेगा और आपकी बाइक और फास्ट जाएगी एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रंट गेयर आप थम से अपना गेयर इंक्रीज कर सकते हो और फिंगर से आप अपना गेयर डिक्रीज कर सकते हो द बिगेस्ट रिंग एट द फ्रंट इज द मोस्ट बिग गेर और जो सबसे छोटी रिंग है वो सबसे छोटा गेयर हो आपके लिए तो so, जैसे आपने अब राइड करने शुरू किया है आपने रेयर में तो सबसे बड़ी रिंग रखी जो फर्स्ट गेयर था वो रखा अब फ्रंट में आपने सबसे छोटे गेयर सेट रखना है दैट विल बी द फर्स्ट वन सबसे छोटा होगा वो रखना है इससे क्या होगा आपको काफी बाइक लाइट फील होगी जैसे आप आप जैसे आप आप स्पीड स्पीड करोगे मीडियम पे आ चुके हो आपके रेयर में अराउंड थर्ड गेयर या फोर्थ गेयर और आप फ्रंट में फिर मिडिल गेर कर सकते हो फिर आप जैसे स्पीड इंक्रीज कर रहे हो आप सबसे बड़ी रिंग वाला गेयर डाल सकते हो दैट विल बी द थर्ड एंड दर्ड गोज हाइब्रिड बाइक एंड रोड बाइक रोड बाइक में भी बिल्कुल सेम है गेयर शिफ्टिंग यूज करना जैसे आपकी फ्रंट में सिर्फ दो गेयर हैं जो तो जो सबसे बड़ी रिंग है वो हैवी रिंग है जो छोटी रिंग है वो सबसे लाइट रिंग है जैसे आपने स्टार्ट किया है तो आप छोटी रिंग पर गेयर रखोगे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करोगे आप बड़ी रिंग पर करोगे एंड टॉकिंग माउथ द रेयर गेयर सेट रेयर गेर सेट में आप सबसे पहले रखोग सबसे बड़े रिंग में क्योंकि सबसे लाइट होता है रेयर में जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी आपका जो गेयर सेट है आपका जो गेयर रिंग है वो डिक्रीज होता जाएगा और आपका सबसे टॉप गेयर डल जाएगा अराउंड मे बी सेवन और एट जितने आपकी बाइक में गेर सेट है जो रेयर में हमारे गेयर होते हैं जो सबसे बड़ी रिंग होती है वो सबसे लाइट होती है सबसे छोटी रिंग सबसे हैवी होती है फ्रंट में उल्टा होता है फ्रंट में जो सबसे बड़ी रिंग होती है वो हैवी होगी और सबसे छोटी लाइट होगी एंड टॉकिंग अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ गेयर ऑन द रोड बाइक वो काफी ईजी होता है हमारे जैसे शिफ्टर्स होते हैं वो ब्रेक लीवर्स होते हैं हमें देखने लगता है ब्रेक लीवर्स है बट एक्चुअली में वही हमारे गेर शिफ्ट भी होते हैं हम उन गेर शिफ्टर्स को अगर एक तरफ को रोटेट करें तो हमारा गेयर इंक्रीज या डिक्रीज होगा और अगर हम दूसरे गेयर लीवर को यूज करें तो उससे वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट मीनस जैसे मैंने अब हेलिकन एक्स यूज की थी तो उसमें क्या था उसमें थम से हम शिफ्ट करते थे छोटा गेयर करने के लिए और अगर हम पूरे ब्रेक लीवर को टर्न कर दे तो हमारा

फ्रॉम द गय सेट दट इज केडेंस काफी सिंपल टर्म है जो यूज होती है कि हम कितने रेवोल्यूशन कर रहे हैं एक मिनट में अगर हम जैसे पैडलिंग करते हैं तो काफी राइडर्स को आपने देखा हो जो होते हैं वो काफी काफी तेज तेज पैडलिंग पैडलिंग कर कर रहे रहे होते होते हैं हैं या स्लो स्लो बट जो केडेंस है उसमें हमें ये कहा जाता है कि जो पैडलिंग होनी चाहिए पर मिनट वो होनी चाहिए अराउंड सेवन टू हंड्रेड के बीच में अगर आपकी सेवेंटी से कम है तो आपका एफर्ट पूरा नहीं लग रहा अगर आपकी हंड्रेड से ज्यादा है तो आप ओवर एफर्ट लगा रहे हो उसकी वो एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी सो आपको सेवेंटी से हंड्रेड के बीच में रखना है और ये कैसे रहेगा अगर आप गेर प्रोपर यूज करोगे अब हम गेयर प्रोपरली कैसे यूज करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ जैसे हम राइड कर रहे हैं हमें अप हिल आ रहा है हमारे सामने तो हम अप हिल पे अगर, अगर अपने गेयर जो हम जिससे चल रहे थे वो ही रखेंगे तो आपको काफी आपका केडेंस कम हो जाएगा आपको काफी स्लो पैडलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपको काफी एफर्ट लग रहा होगा और वो कैसे हम कम कर सकते हैं अगर आपकी माउंटेन बाइक है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपकी माउंटेन बाइक है और अगर आपकी हाईब्रिड बाइक है तो आपको फ्रंट में सबसे स्मॉल रिंग में लेकर आना है क्योंकि सबसे लाइट गेयर है और रेयर में आपको सबसे बड़ा रिंग लेकर आना पड़ेगा दैट विल बी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इन गेयर को यूज कर सकते हो ऐसा करने से क्या होगा आपकी जो बाइक है वो काफी लाइट हो जाएगी और बाइक लाइट होगी और एलिवेशन तो आपको पहले ही पता है कितना टफ होता है अगर हम हैवी गेस पर यूज़ करें तो आपको कर पेडलिंग तो हम काफी तो तो का तो हमें, हमें अपना गेस सेट से हैवी कर लेना चाहिए आप फ्रंट में सबसे बड़ा रिंग रखो और रेयर में सबसे छोटा रिंग रखो और गैस को यूज करने में एक और टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमें क्रॉस रिंग कभी नहीं करनी चाहिए क्रॉस रिंग क्या होता है जब आप अपने गेस को बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो मान लो अपने फ्रंट में सबसे स्मॉल गेयर डाला हुआ है और रेयर में सिक्स गेयर डाला हुआ है अब आपका फ्रंट में ये गेयर था और रेयर में सिक्स गेयर है तो आप देख सकते हो कि गैप कितना ज्यादा है आपकी चेन बिल्कुल इस डायरेक्शन में है बिल्कुल क्रॉस हुई हुई है तो आप जब पैडलिंग करोगे तो आपके गेयर एक तो वेयर आउट होंगे आपका ये गये वेयर आउट होगा और आपकी पूरी चेन वेयर आउट होगी क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेन में आई हुई इस टाइम पे वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में यूज हो रही है और अगर आपके गेयर बिल्कुल आपने फ्रंट में फर्स्ट डाला हुआ है सबसे छोटा रिंग डाला हुआ है और रेयर में भी आपने अराउंड सेकंड या थर्ड डाला हुआ है तो आप देख सकते हो आपकी चेन बिल्कुल एक सीध में है तो आपको अपनी चेन को बिल्कुल एक सीध में रखना चाहिए अगर आपकी चेन क्रॉस रिंग होगी कि आपने फ्रंट में डाला होगा या फ्रंट में सबसे बड़ा है और रेयर में सबसे छोटा है फर्स्ट डाला हुआ है तो भी आपकी चेन पर काफी एफर्ट आएगा और आपकी चेन जल्दी वेयर आउट हो जाएगी और वैसे भी आप उसको राइड नहीं कर पाओगे बाइक को आपको बाइक काफी ऐसा फील होगी काफी हैवी है और काफी आपको नॉइस प्रोड्यूस होगा क्योंकि गेयर आपके ट्रेलियर पर टच हो रहे होंगे बार बार तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता कि आप अपने फ्रंट में सबसे अलग अलग क्रॉसिंग करो या यहाँ पे सबसे छोटा यहाँ पे सबसे बड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें एंड अनदर पॉइंट दैट आई टू शेयर इज जब आप राइड कर रहे हो आपका गयर काफी हैवी हुआ हुआ है आपने फ्रंट में थर्ड गेड डाला सबसे बड़े रिंग वाला और रेर में आपने मे बी सिक्स या फिफ्थ करो हुआ है आप काफी अच्छी स्पीड पर जा रहे हो और आप देख रहे हो सामने आपको ट्रैफिक लाइट दिख रही है और वो रेड है तो आप राइड कर रहे हो और आपने जाकर वहां पर बाइक अपनी स्टॉप कर दी फिर जब राइड ग्रीन हुई तो आपको फील होगा की बाइक काफी ज्यादा हैवी हुई है तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए हमें जैसे दिख रहा है कि हमें रुकना है अभी हमें रेड लाइट दिख रही है तो आप अपना सबसे गियर पहले ही स्मॉल कर लो फ्रंट में सबसे छोटा रिंग और रेयर में सबसे बड़ा रिंग आपकी बाइक लाइट हो जाएगी गेयर शिफ्ट करके हम पेडलिंग स्टॉप कर सकते हैं और अपनी ब्रेक लेंगे जब फिर जब ग्रीन लाइट होगी तो आप जब राइड करना शुरू करोगे तो आपकी बाइक बिल्कुल लाइट होगी और आपको स्टार्टिंग काफी इजिल और स्मूथली होगी और जैसा मैंने कहा आप हिल में आपको अब तक पता लग गया आप डाउन हिल में, में और लाइट्स पे ये तीन इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर हमें गेयर को शिफ्ट करना पड़ता है अचानक से अगर हमें इस बात की नॉलेज ना हो और अचानक से शिफ्ट नहीं करना चाहिए हमें पहले ही समझ लेना चाहिए अगर एलिवेशन आ रहा है तो अपना गेयर लाइट कर लें फ्रंट में सबसे छोटा और एयर में भी सबसे बड़ी रिंग पर डाल लें और डाउन में हमें सबसे हैवी गेयर डाल लेना क्योंकि हमें वैसे भी बाइक अपने आप भी जारी होती है तो वहाँ पर गेयर भी हमारा स्मॉल होगा तो आपका केडेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और केडेंस ज़्यादा होने से मैंने जैसा कहा आपकी एनर्जी भी काफ़ी वेस्ट होगी आई नाउ अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज मेंटेनेंस हम गेयर्स के मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं वो करना काफ़ी ईजी है जैसा कि काफी लोग कहते हैं कि मैंने गेयर वाली बाइक नहीं लेनी है उसमें मेंटेनेंस काफी ज्यादा है मैं सिंगल स्पीड ले लूँगा सिंगल स्पीड हम ले सकते हैं बाइक बट जैसा कि उसमें होता है कि जो गेयर रेशो होती है वो बिल्कुल फिक्सड है आपकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप गेयर शिफ्टर्स यूज करो जैसा फ्रंट में सबसे छोटा और रेयर में सबसे बड़ा तो गेयर रेशो आती है अराउंड टू के पास या काफी कम गेयर रेशो आती है तो उसमें हमें एफर्ट काफी ज्यादा मिलता है कम पैडलिंग करने पे और अगर हम सिंगल स्पीड यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है गेयर शिफ्टर्स हमारे तो है नहीं उसमें और जो हमारी गेर रेशो बिल्कुल कॉन्टेंट है सेम

वो बिल्कुल अभी तक सही कंडीशन में है काफ़ी लोग कहते हैं इसको नहीं यूज़ करना चाहिए बट मेरा एक्सपीरियंस है बाइक तो अभी तक ठीक चल रही है और गेयर भी बिल्कुल ठीक है कोई रस्ट नहीं आया उन पर अभी तक तो आपको इसको 15 मिनट्स पहले वॉश करने से अपने चेन पे और गेयर पे लगा देना फिर आपको 15 मिनट तक इसको रख देना है बाइक को अपनी फिर आपको बाइक को सिंपली वॉश कर देना इससे क्या होता है डी ग्रीस हो जाता है तो जो ग्रीस होती है ना आपकी जैसे डस्ट होता है वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है रिमूव करना उसको तो आपके गेर्स काफी लॉन्ग लाइफ चलेंगे और वॉश करने के बाद आप एक ल्यूब यूज कर सकते हो मैं यूज करता हूँ लूप ल्यूब एल डबल ओ पी एल यू बी वो एमजन पे आपको मिल जाएगा अराउंड 400 का वो काफी अच्छा ल्यूब है उसको मैं टू ईयर से यूज कर रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है मैंने सिर्फ टू ईयर पहले ही लिया था और वही अभी तक चल रहा है मतलब वो इतना लंबा चल सकते है अगर आप उनको प्रॉपरली यूज करो फिर आपको जैसे जैसे आपने वॉश कर ली अपनी बाइक तो आपको उसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए आप जितना ज्यादा लगाओगे उस पर डर उतना ज्यादा एट्रैक्ट होगा तो अब आप जितना आपके चेन लग रहा है कि अब उस पर लग चुका है अराउंड एट टू टेन तो ड्रॉप्स आप लगा सकते हो अगर आपका ड्रॉप वाला है अगर आपका स्प्रे वाला है तो इतना स्प्रे लगा सकते हो आपको दिख जाएगा कि अब चेन ड्यूब हो चुकी है और चेन बिल्कुल ड्यूब्ड है और रेडी टू गो है सो अब हमें मेंटेनेंस के बारे में पता लग गया हम इसको कैसे यूज करें वो भी पता लग गया और कैसी बाइक